हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। बचपन में अपने स्कूल को बॉम्ब से उड़ाने का सपना तो हम सभी ने देखा होगा, लेकिन कभी सोचा है कि आप एक दिन स्कूल जा रहे हो और किसी अननोन क्रीचर ने स्कूल पर ही हमला किया। पूरे स्कूल में बस आप ही हो जो इस क्रीचर से सबको बचा सकते हो। ऐसी ही आज की कहानी है स्लॉटर हाउस। कहानी की शुरुआत में हम डॉन को देखते हैं, जिसके पिता का हाल ही में देहांत हुआ था और उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए उसके माँ ने उसे एक इलीट स्कूल में एडमिशन किया था, जिसका नाम था स्लॉटर हाउस, जहाँ से निकलकर बच्चे एक्टर, पॉलिटिशियंस और काफी बड़े बड़े पोस्ट पे जाते थे। लेकिन डॉन ये नाम सुनते ही थोड़ा परेशान होता है और जाने से मना करता है, लेकिन उसकी माँ उसे काफी डांटती है कि तुम पूरा दिन बस वीडियो देखते रहते हो या फिर वीडियो गेम खेलते रहते हो, अब अपने माँ का मन बनाए रखने के लिए उस स्कूल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब कुछ दिनों के बाद जब डॉन अपनी माँ के साथ स्कूल में जाता है तो वहाँ पे काफी अलग अलग चीजें चल रही थी, जैसे कि कुछ बच्चे रोमांस में लगे हुए थे तो वही दूसरे स्कूल के बच्चे ड्रोन की मदद से बियर्स चुरा रहे थे, मतलब जो चाहे वो कर सकते थे, यानी कि बिल्कुल भी करण जौहर की मूवी की तरह। ये सब कुछ देख के डॉन को काफी अच्छा लगता है कि तभी वहाँ पे मेरिडिथ हाउसमैन नाम के टीचर आते हैं और दोनों को डॉन के रूम तक लेकर जाते हैं, जहाँ पे ये रूम उसे विल ब्लेक नाम के लड़के के साथ शेयर करना था। अब यहाँ पे डॉन की माँ का ध्यान गेट के लेबल पर जाता है, जहाँ पे किसी विस्काउट सेमैन नाम के लड़के का नाम लिखा हुआ था। अब उसकी माँ मेरिडिथ से इसके बारे में पूछती है तो उसके हाव भाव ही बदल जाते हैं और वो बताता है कि विस्काउंट हमारा पुराना स्टूडेंट था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब डॉन की माँ इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और डॉन को गुड बाय करके यहाँ से चली जाती है। अब डॉन और विल अकेले ही थे तभी अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट को बाहर असेंबली में आना है। अब असेंबली में पहुंचने के बाद वहां पर क्लेमिस लॉरेंस नाम की लड़की दिखाई देती है। डॉन को वो काफी पसंद आती है और उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन क्लेमिस डॉन को देख समझ जाती है कि ये यहाँ पे नया आया है और उसे समझाती है कि स्कूल में अलग अलग ग्रुप्स है और जिसका जो ग्रुप है उसी में उन्हें रहना चाहिए। इन दोनों की बातें चली रही थी कि तभी विल उसे अपने ग्रुप यानी स्पार्टा में ज्वाइन करने कहता है, जो लूजर लोगों का ग्रुप था। लेकिन जाते वक्त उसकी मुलाकात मैथ्यू से होती है, जो डॉन को क्लेमिस से बात करने के लिए बहुत ही डांटता है। अब डॉन वापस आने के बाद विल उसे बताता है कि तुम मैथ्यू से जितना हो सके उतना दूर ही रहो। तभी वहाँ पे इनके हेडमास्टर डॉक के साथ आते हैं और सभी स्टूडेंट को स्कूल की स्पीच देने लगते हैं। उसकी ये स्पीच चली रही थी कि तभी वहाँ पे कुछ बच्चे हेडमास्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए आते हैं। उन लोगों की डिमांड थी कि उनके स्कूल टेरिटरी में एक जगह पे चल रहे गैस प्रोडक्शन के काम को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उससे एनवायरनमेंट को काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन तभी मैथ्यू सामने आता है और उन्हें पकड़कर बाहर निकालकर मारने लगता है। अब यही हेडमास्टर बताते हैं कि हमारे स्कूल की जमीन में बहुत ज्यादा गैस अवेलेबल है और इस जमीन को सही करने के लिए ही हम ये काम कर रहे हैं। इससे काफी पैसे मिलेंगे जिससे स्कूल को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। वही दूसरी तरफ मेरिडिथ जंगल में वॉक कर रहा होता है तभी उसे एक बहुत बड़ी गैस एक्सट्रैक्शन की मशीन दिखाई देती है और जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करता है तो कुछ साइंटिस्ट आकर उसे रोक लेते हैं। अब उनकी बात मानकर वो वापस जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जमीन पर काफी सारे क्रैक्स हो गए हैं, जिससे अब जल्दी ये पूरी जगह धंसने वाली थी और एक बहुत बड़ा होल भी बन गया था। जब साइंटिस्ट इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते तो उन्हें पता चलता है कि जमीन के नीचे बहुत सारे केव्स है। केव्स के साथ ही उन्हें जमीन के नीचे कोई अजीब सी हलचल भी दिखाई दे रही थी, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो वही दूसरी जगह मेरिडिथ अपने गर्लफ्रेंड एंड्रू से वीडियो कॉल कर रहा था, जो पहले स्कूल में नर्स थी लेकिन अब वॉलंटरी दूसरे जगह पे काम करने गई थी। मेरिडिथ एंड्रू को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन एंड्रू इस बात को टाल देती है और मेरिडिथ नाराज होता है। वही दूसरी तरफ डॉन और उसके दोस्त रूम में बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन तभी मेरिडिथ पूरे स्पार्टा ग्रुप को नीचे हॉल में बुलाता है और डांटने लगता है क्योंकि उसे बाथरूम में एक टाई लटकी हुई मिली थी और उसे लग रहा था कि स्पार्टा ग्रुप में ही किसी ने ये प्रैंक किया है। लेकिन डॉन कहता है कि इतने से टाई की बात के लिए ये इतना पैनिक क्यों हो रहा है। तभी विल बताता है,
जो विस्काउंट लड़का था उसने लास्ट ईयर उसी बाथरूम में टाई से लटक के जान दे दी थी। और तब से बाथरूम में अक्सर हमें टाई मिलती है। सबका मानना है कि यहाँ पे भूत है, लेकिन टीचर को लग रहा है कि यहाँ पे कोई प्रैंक कर रहा है। अब भूत की बात सुनकर डॉन भी थोड़ा बेचैन होने लगता है। अब अगले दिन डॉन अपने क्लास के बाद ग्राउंड में क्लेमेंस को देखता है और उससे बात करने जाता है, लेकिन उसे ऐसा करता देख कुछ सीनियर देख लेते हैं और वो जानबूझकर डॉन की तरफ बेसबॉल फेंक के मारते हैं, जो उसके चेहरे पे लगने पर उसके नाक से खून आने लगता है। और अब ये सब कुछ देखकर विल डॉन को समझाते हुए कहता है कि वो क्लेमिस का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि उसने क्लेमिस के पास जाने की कोशिश भी की तो सारे सीनियर उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। अब इनकी ये बातचीत उनके रूम में चली रही थी कि तभी वहाँ पे मैथ्यू, जो कि हेड बॉय था, वो आता है और अपने साथ उसी की नर्स को भी लाया था। उस नर्स ने इन लोगों की बातें सुन ली थी, इसीलिए वो सारी बात मैथ्यू को बता देती है। और मैथ्यू भी गुस्से में इन सारे लोगों को पनिशमेंट देता है कि उन्हें रोज सुबह 5 बजे उठकर पूरे स्कूल के चक्कर लगाने हैं। इसीलिए अब ये सभी लोग सुबह उठकर स्कूल के चक्कर लगाने लगते हैं। लेकिन भागते भागते विल इतना थक चुका था कि उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था, इसीलिए डॉन उसकी मदद करता है और दोनों भी जंगल से शॉर्टकट लेने के डिसाइड करते हैं। अब जंगल के अंदर जाते ही उन्हें वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वही सिंक होल मिलता है, इसीलिए वो लोग उसकी गहराई चेक करने के लिए उसमें कुछ लकड़ियाँ डालते हैं, लेकिन वो इतना गहरा था कि उन लकड़ियों का कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब यहाँ पे विल अपना लाइटर जलाता है, लेकिन तभी लाइटर की आग ग्रीन कलर की होती है। ये देखते ही डॉन तुरंत लाइटर को बंद करके अपने पास उसे रखता है और विल को बताता है कि इस सिंक होल से अभी भी गैस लीक हो रही है और ऐसे में अगर हमने लाइटर लगाया तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है। इसीलिए अब दोनों भी वापस आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर की कैंप भी लगी हुई थी। और हम उनके लीडर वुडी को देखते हैं, जिसे डॉन उस सिंक होल के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि धरती अब इंसानों से बदला ले रही है, वो सिंक होल सीधा नरक का एक रास्ता है और यहाँ से काफी अजीब अजीब चीजें भी आ सकती हैं। अब डॉन और विल को उसकी बातें बेतुकी लगती हैं और वो वापस स्कूल आ जाते हैं। अब रात के वक्त में डॉन को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो घूमते घूमते गलती से बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ किसी टेडी चैंपमैन नाम के इंसान का टोमस्टोन उसे मिलता है, जो 1998 में गुम हो गया था। ये सारी चीजें देखकर डॉन परेशान होने लगता है कि ये स्कूल कुछ सही नहीं है। अब अगली सुबह डॉन को उसके माँ का फोन आता है और यहाँ पे चल रहे प्रॉब्लम्स के बारे में वो उन्हें बता रहा होता है और वो चाहता था कि वो यहाँ से जल्द चला जाए, लेकिन तभी वहाँ पे क्लेमिस अपने दोस्तों के साथ आ जाती है, जिसे देखकर डॉन अपनी बात करने का तरीका ही बदल देता है और ऐसे बात करने लगता है कि जैसे यहाँ वो बहुत ही आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के रह रहा हो। यहाँ पे क्लेमिस की दोस्त उसे बताती है कि वो लोग स्मोकिंग करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास लाइटर नहीं है, इसीलिए डॉन उसे वही विल का लाइटर दे देता है और बात करते करते उन्हीं लोगों के साथ चला जाता है। अब डॉन क्लेमिस से विस्काउंट के बारे में पूछता है, जिसने लास्ट टाइम सुसाइड किया था, जिस पर क्लेमिस बताती है कि वो गे था और मैथ्यू ने उसे किसी लड़के के साथ देख लिया था और उसके पेरेंट्स को ये बात बताई थी। अब इसी दरमियान विल भी आकर इन लोगों के साथ बात करने लगता है। स्कूल में स्मोकिंग बैन थी, इसीलिए जैसे ही ये बात मैथ्यू को पता चलती है, वो अपने साथियों के साथ सभी लोगों पर हमला करने के लिए आता है। डॉन और विल भी उससे बचने के लिए भागते भागते एक लेक तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मैथ्यू इनके ऊपर एक फायर क्रैकर छोड़ता है, लेकिन डॉन उसे पकड़कर सीधा लेक में फेंक देता है, जिसके चलते लेक में बहुत बड़ा धमाका होता है। जैसे ही धमाके वाली बात अब हेडमास्टर को पता चलती है तो उन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाया जाता है और इन्हें सजा के तौर पर इन सब का वीकेंड पे जो घर जाने का प्लान था वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ दूसरी जगह पे क्लेमिस और उसके भाई को देखते हैं, जो उसे समझा रहा होता है कि उसे डॉन और विल से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में काफी सारे लड़के उसके पीछे हैं और उसे इन छोटे लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्लेमिस उसकी बात नहीं मानती और उसे कहती है कि मैं चाहे जिससे बात करूं। वही विल डॉन को समझा रहा होता है उसे क्लेमिस से बात करना छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये बात सुन के डॉन को गुस्सा आता है और वो उसके पहले वाले रूममेट यानी विस्काउंट की मौत के लिए विल को ही जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि उसका रूममेट होने के बावजूद उसने विस्काउंट को बचाया नहीं। लेकिन विल ये बात सुन के गुस्से में वहां से चला जाता है। अब डॉन भी बाहर जाता है और वो क्लेमिस को एक लड़के के साथ मजाक करता हुआ देखता है और उसे लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वही थोड़े समय के बाद डॉन को ये सब कुछ देख
देखकर विल की बात सही लगती है और उसे माफी मांगने के लिए जाता है। लेकिन विल यहाँ पे स्वर्लोक पधारने की तैयारी कर रहा था, ये देख डॉन उसे रोकता है। तभी विल उसे बताता है कि तुमने जो बात कही वो दरअसल सच ही है, क्योंकि जिस लड़के के साथ मैथ्यू ने विस्काउंट को पकड़ा था वो लड़का और कोई नहीं मैं ही था, और मेरे कारण ही उसकी मौत हुई है। ये सुन के डॉन उसे समझाने लगता है। वही दूसरी तरफ मेरीडेथ भी ड्रंक था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड एंड्रू उससे ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन तभी अचानक से भूकंप आने लगता है और पूरा स्कूल हिलने लगता है, क्योंकि दूसरी जगह पे हम देखते हैं उस सिंक होल से बहुत सारे क्रीचर बाहर निकलते हैं और वहाँ के वर्कर्स और प्रोटेस्टर पर हमला कर देते हैं, जिसके बारे में स्कूल वालों को कुछ भी पता नहीं था। अब यहाँ पे मैथ्यू स्कूल चेक करते करते डॉन और विल के रूम में पहुँचता है, तो वहाँ पे कबर्ड में बहुत सारी टाई पड़ी हुई थी, जिसे देख कर वो समझ जाता है कि वो सारे टाई वाला प्रैंक विल ने ही किया था, ताकि वो विस्काउंट के का मैथ्यू से बदला ले सके। वहीं दूसरी तरफ डॉन और विल बेसमेंट में जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पे क्लेमिस भी अपने दोस्तों के साथ मिलती है। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पे एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है, जो क्लेमिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेमिस पैनिक होकर उसे ही मार देती है, और वो लोग डरते हुए वापस आकर उस क्रीचर के बारे में हेडमास्टर को बताते हैं। लेकिन हेडमास्टर उन्हें ही डांटता है कि इतनी रात को तुम बेसमेंट में क्या कर रहे थे, और ये बात किसी को भी ना कहने के लिए कहता है। वही डॉन गुस्से में उसे बताता है कि प्रोटेस्टर का जो लीडर था वुडी, उसने सब कुछ बता दिया है कि कैसे अपने फायदे की वजह से तुमने ये गैस प्रोडक्शन चालू रखा है, जबकि तुम्हें पता है कि वहाँ कुछ न कुछ अननोन क्रीचर भी रहते हैं, और इसी चक्कर में वुडी ने अपने भाई टेडी को भी खो दिया था। अब इन लोगों की ये बातें चली रही थी कि तभी क्रीचर नर्स पर हमला कर उसे मार देता है, इसीलिए सभी लोग बचने के लिए कार से वहाँ से निकलने की सोच ही रहे थे, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। इसीलिए जैसे ही हेडमास्टर बाहर आकर चेक करता है, तो तभी वो क्रीचर उसे ही मार देता है। ये देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं और इसीलिए कार के अंदर ही रहने का डिसाइड करते हैं। लेकिन क्लेमिस को अपने भाई के बारे में याद आता है, जिसकी जान भी खतरे में थी, इसीलिए वो डॉन को कहती है कि मुझे अपने भाई को बचाना ही होगा। और तभी डॉन को रियलाइज होता है जिस लड़के से बात कर रही थी वो उसका भाई था। अब ये सभी लोग उसके भाई को बचाने जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अजीब ही चल रहा है। उसे रस्सी से बांध कर उसके साथ कुछ रिचुअल किया जा रहा था। तभी डॉन चुप कर आकर उसके भाई को रिलीज कर देता है, लेकिन तभी वही क्रीचर वहाँ पे हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए सभी लोग बेसमेंट में छुप जाते हैं। वही मेरीडेथ को अब याद आता है कि उनके पास कुछ वेपन्स भी है, जिसकी मदद से वो उन क्रीचर से लड़ सकते हैं। और जैसे ही वो लोग वेपन्स देने के लिए जाते हैं, वहाँ पे मैथ्यू आ जाता है, जो विल पर बहुत ही गुस्सा था। मेरीडेथ उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी गुस्सा होने का समय नहीं है, हमारे पीछे क्रीचर्स पड़े हैं, लेकिन मैथ्यू सुनता ही नहीं है, और गुस्से में मैथ्यू उसी ही शूट कर देता है, जिससे मेरीडेथ को जख्म होती है। ये सब कुछ देखकर डॉन उसके ऊपर हमला करता है, और मैथ्यू बचने के लिए विंडो के यहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे वो क्रीचर उसे पकड़ लेते हैं। अब मेरीडेथ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसी के साथ खींचा जाता है। अब जितने भी लोग बचे हुए थे क्रीचर से बचने के लिए टनल में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि टनल भी उन्हीं क्रीचर ने बनाई थी, मतलब ये लोग उन्हीं के घर के अंदर गए हैं। वही उन्हें वुडी भी मिलता है, जो कुछ क्रीचर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और वही रास्ते में उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे बहुत ही क्रीचर थे, लेकिन दूसरे रास्ते जाते ही उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। इसीलिए वो बाहर निकलकर उस टनल में लाइटर फेंक देते हैं, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे क्रीचर उसी में मारे जाते हैं, और इस ब्लास्ट के कारण वो स्कूल भी तबाह हो जाता है। लेकिन स्कूल के बच्चे बच गए थे, और ये सब कुछ देखकर सभी लोग खुश होते हैं। और मूवी के एंडिंग में हम हेडमास्टर को देखते हैं, जो जंगल में अभी भी जिंदा पड़ा था। बहुत ही फन और टाइम पास मूवी है दोस्तों। अगर आप यहाँ तक रुके हैं, सो प्लीज कमेंट में एक हाई जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।